व्रत वाले आलू पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया है, दो बारीक कटे हुए हरी मिर्च ले लिए हैं, फ्रेश हरा धनिया के पत्ते ले लेते हैं, 3 से 4 चम्मच शेंगदाने का बारीक कुटा हुआ पाउडर ले लेते हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा ले लेते हैं, सेंधा नमक 1 चम्मच डाल देते हैं, 1 चम्मच नींबू का रस ले लेते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं पहले। सभी मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 बड़े साइज के आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट कर लेते हैं, आप चाहे तो हाथों से भी मैश करके डाल सकते हैं इनको। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है, अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। आलू में मॉइस्चर इतना होता है कि हमारा बिना पानी के ही डो लग जाएगा। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसका डो बना लिया है, बिना पानी के ही हमारा आटा लग गया अच्छी तरह से। देखिए हमने डो अच्छी तरह से लगा लिया है, इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं, जिससे इसमें अच्छे से चिकनाहट आ जाए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डो अच्छी तरह से लग चुका है, अब चलिए हम पराठा बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। देखिए पराठा बनाने के लिए हमने एक प्लास्टिक की शीट ली है इस तरह की। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा पराठा चिपके ना। चारों तरफ हम इसी तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे, हम दोनों तरफ लगा लेंगे। हमने हाथों में ऑयल लगा लिया है, अब इसमें हम डो को ले लेंगे। आपको जितना बड़ा पूरी बनाना है आप उस हिसाब से डो ले लें। प्लास्टिक शीट पे रख के हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। अब शीट को इस तरफ से इस रख के हम इसे एक प्लेट के सहारे से प्रेस करेंगे। देखिए हमने इसे प्रेस कर लिया है और इसे हटा के देखते हैं। देखिए ना पतला ना मोटा, अच्छी तरह से हमारी पूरी पराठे गोल हो चुके हैं और ये निकालने में काफ़ी इजी है। एकदम गोल गोल, ना फटे ना साइड से खराब, बिल्कुल इसी तरह से हमें एक बना लेना है पूरियों को। अब इसे हम हाथों के सहारे से धीरे धीरे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरह से हमारा पराठा बनके तैयार है। अब इसे हम सेक लेते हैं। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे मूंगफली का ऑयल लिया है। पराठे को पलट कर देख लेते हैं हम। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से सिक चुका है एक तरफ से, इसी तरह से हम इसे लो फ्लेम पर सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी हम पलट कर चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे इसी तरह से अलग पलट कर हम सेक लेंगे। देखिए पराठे फूलने लगे हैं। देखिए हमारे पराठे काफ़ी अच्छी तरह से सिक चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम हल्के हाथ से दूसरा भी पराठा हमारा निकाल लेते हैं और इसे भी हम तवे पे डाल देते हैं और इसे भी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। इसे भी हम पलट कर देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें हम ऑयल लगा देते हैं। ये भी पराठा हमारा अच्छी तरह से सिक चुका है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा आखिरी पराठा भी अच्छी तरह से सिक चुका है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं।
निकाल लेते हैं। देखिए हमने सारे पराठे अपने बनाकर रेडी कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे और यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं। चलिए इसे हम सर्व करते हैं। हमने सभी पराठे बना लिए हैं। आप चाहे तो इसे व्रत वाले आलू पूरी भी कह सकते हैं। ये पराठे खाने में काफ़ी टेस्टी है। अगर आप भी व्रत पे कुछ अच्छा और टेस्टी खाना चाहते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी के वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।